ज्यादातर लोग एक स्मार्ट टीवी परचेज करने में गलती कर देते हैं। सो अगर आपका बजट 20,000 के समथिंग है और आप अपने पैसे किसी फालतू टीवी पर वेस्ट नहीं करना चाहते तो बस थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, फायदे का सौदा है बॉस। तो देखो मैं टोटली 4 टीवीज बताऊंगा अराउंड 20,000 के समथिंग है, बट अगर आपका बजट कम है 13-14,000 तो भी एक टीवी है मेरे पास आपके लिए और डेफिनेटली आपको ये टीवीज पसंद आएंगे क्योंकि इनसे बेटर टीवीज मार्केट में नहीं है। बहुत ही मेहनत से मैंने ये लिस्ट बनाई है तो देख लो। एंड टीवीज की लिस्ट शुरू करने से पहले मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा, ये पॉइंट्स जरूर आपकी हेल्प करेंगे एक टीवी परचेज करने में। तो यार देखो सबसे पहले ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैनल, पैनल क्वालिटी जरूर देख लिया करो। देखो मेनली ना दो टाइप के पैनल आपको टीवीज में मिलते हैं, IPS एंड VA। अब IPS की अपनी स्पेशलिटी है कि कलर्स ज्यादा बेटर दिखते हैं, साइड एंगल्स अच्छे होते हैं, ड्यूरेबल होता है। अगर स्क्रीन पर कोई चीज लग भी जाती है तो काफी कम चांसेस होते हैं स्क्रीन टूटने के, थोड़ा ड्यूरेबल माना जाता है IPS पैनल। लेकिन VA पैनल यहाँ कलर्स ज्यादा अच्छे नहीं होते, ये थोड़े सस्ते भी होते हैं और साइड एंगल्स भी ज्यादा बेटर नहीं होते। अगर आप थोड़ा साइड में से देखोगे तो थोड़े से कलर्स चेंज हो जाएंगे, बट VA पैनल के पास एक एडवांटेज है ब्लैक कलर की। जी हाँ, ब्लैक कलर रियल ब्लैक दिखता है। अगर हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखोगे तो मजा आ जाएगा। इसके अलावा और चीजों में भी आपको रियल ब्लैक स्क्रीन मिलेगी, आर्टिफिशियल ब्लैक नहीं होगी, जबकि IPS पैनल के पास ये एडवांटेज नहीं है। और अगर आपको HDMI पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है तो भाई पहले ही देख लेना, किसी में एक पोर्ट होता है, किसी में दो, किसी में तीन, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इसके अलावा अगर घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया हुआ है, वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, तो जरूर चेक करना कि आपके टीवी में डुअल बैंड वाईफाई है या सिंगल बैंड। डुअल बैंड होने के अपने ही फायदे हैं, स्पेशली अगर आपने 100 Mbps से ऊपर वाला प्लान करवाया हुआ है तब तो आपको डुअल बैंड वाईफाई की नीड होगी ही होगी, क्योंकि आपको 5 GHz वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। तो बस अभी के लिए ये एक दो पॉइंट्स बता दिए, इतना काफी है। चलो टीवीज की लिस्ट शुरू करते हैं और बता दो कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ना टीवी से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, शर्माना मत। चलो बात करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं MI के इस स्मार्ट टीवी से। एंड डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। इट कम्स विद फुल HD रिजोल्यूशन, 4K नहीं है, रिफ्रेश रेट 60Hz जो कि एक बहुत ही कॉमन सी रिफ्रेश रेट है, आपको ज्यादातर टीवीज में यही मिलेगी। बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी लाजवाब है। डेफिनेटली कलर्स वगैरह काफी अच्छे दिखते हैं, थोड़े से पंची कलर्स लग सकते हैं एंड साइड एंगल्स भी अच्छे हैं, और क्योंकि साइड की बेजल्स कम है इस वजह से भी इसकी डिस्प्ले थोड़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा भाई साउंड क्वालिटी भी कम नहीं है, 24W के स्पीकर्स हैं एंड ये डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट करता है। अब देखो टीवीज में जो डॉल्बी ऑडियो बताते हैं ये रियल में एक डॉल्बी ऑडियो नहीं होती, ये डॉल्बी ऑडियो की तरह बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें टीवी के दोनों तरफ स्पीकर्स लगा के उसे थोड़ा सा सराउंडिंग साउंड देने की कोशिश की जाती है और थोड़ा बहुत डॉल्बी ऑडियो वाला इफेक्ट आ जाता है। बट रियल डॉल्बी ऑडियो भाई रूम के चारों तरफ स्पीकर्स लगाने पड़ते हैं तब जाकर डॉल्बी का मजा आता है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों ही टॉप लेवल है। इसके अलावा एंड्रॉइड 11 पर ये रन करेगा, ब्लूटूथ 5.0, ARC पोर्ट वगैरह रहेंगे, आप साउंड बार्स भी कनेक्ट कर सकते हो, 2 HDMI एंड 2 USB पोर्ट्स। अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है तब ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। वैसे एक चीज मैं बताना भूल गया कि MI का जो विविड पिक्चर इंजन है ये ना थोड़े से कलर से बूस्ट करके दिखाता है, इस वजह से भी इसकी डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ी अच्छी लगती है। सो ओवरऑल अच्छा टीवी है, इसके पूरे स्पेक्स मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं और साथ में ये कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं ये भी देख सकते हो। सो डेफिनेटली आपको ये टीवी पसंद आएगा, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेने से पहले बाकी के टीवीज भी देख लो। अब नेक्स्ट स्मार्ट टीवी अंडर 20,000 में तो है बट काफी प्राइस कम है इसकी। अब अगर किसी का बजट कम है देन डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट 40-inch स्मार्ट टीवी अंडर 20,000। वैसे 20,000 सुनकर घबराना मत, इसकी प्राइस है अराउंड 13,000 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 13,000 के समथिंग है, बाकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कम ज्यादा हो जाती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए गए हैं, प्राइसेस चेक कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के अफिलिएट लिंक्स हैं तो वहीं से आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर भी फुल HD रिजोल्यूशन है लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी आपको थोड़ी सी फीकी लगेगी क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस काफी कम है, बट फिर भी अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो मैं कहूंगा भाई ये टीवी आपको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। 14 inches में एटलीस्ट हमें फुल HD मिल रहा है। हाँ, पैनल मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा पर ठीक है, वैल्यू फॉर मनी है। इसके अलावा साउंड्स भी काफी ठीक है, रिच साउंड्स है। ऐसा नहीं है कि 13,000 का टीवी है तो मतलब घिसा पिटा होगा, ऐसा नहीं है। 24W के स्पीकर्स हैं, क्लियर ऑडियो मिलेगी, डॉल्बी ऑडियो वगैरह या DTS HD ऑडियो इन सब का सपोर्ट नहीं है। इसकी वजह से आप अगर इसे Xiaomi से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली Xiaomi की डिस्प्ले क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी दोनों ही थोड़ी बेटर है, बट 13,000 के जो और टीवीज आप देखोगे उसमें आपको इसकी क्वालिटी बेटर लगेगी। लेकिन एक एडवांटेज है यहाँ पर क्योंकि IPS पैनल है, अब IPS पैनल होने की वजह से कलर्स थोड़े से अच्छे लगते हैं और IPS पैनल ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है, तो ये एक एडवांटेज है वेस्टिंग हाउस में जो कि आपको MI में भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा इंस्टॉलेशन ब्रांड की तरफ से किया जाएगा, 1 ईयर की वारंटी है, डुअल बैंड वाईफाई मिल जाएगा, ये भी एक एंड्रॉइड टीवी है, 1GB रैम, 8GB स्टोरेज, 3 HDMI एंड 2 USB पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट भी यहाँ ज्यादा है। सो ओवरऑल भाई वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट टीवी है, डेफिनेटली 13,000-14,000 रुपीज में कमाल का टीवी है, कंसीडर कर सकते हो। चलो अब तीसरा टीवी प्रकट करते हैं, पर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो
कुछ भी सर के ऊपर से जा रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। नाउ द नेक्स्ट टीवी कम्स फ्रॉम TCL। TCL भी काफी अच्छे टीवीज निकालता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर डिजाइन थोड़ा और बेटर हो सकता था, बेजल से पतली की जा सकती थी। वेल ये भी एक फुल HD टीवी है और यहाँ पर VA पैनल है, IPS नहीं है। सो डिस्प्ले क्वालिटी काफी ठीक है, एक्सीलेंट लेवल की नहीं कहूंगा। अगर हॉलीवुड मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हो जिसमें ब्लैक सीन्स ज्यादा होते हैं तब तो भाई मजा आ जाएगा। वेल यहाँ पर 20 वाट के स्पीकर्स हैं और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, और क्योंकि ये भी एक एंड्रॉइड टीवी है तो कुछ ऐप्स इनबिल्ट रहेंगे, बाकी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, मे बी आपको फील ना हो, 9.5 मिलीसेकंड से, जबकि नॉर्मली टीवीज में 8 मिलीसेकंड से होता है। वाईफाई भी ओनली सिंगल बैंड है, सो ओवरऑल ठीक ठाक सा टीवी है, कंसिडर कर सकते हो। स्पेशली स्पीकर्स की क्वालिटी मुझे ज्यादा बेटर लगी है, एंड डिस्प्ले डिजाइन इनसे ज्यादा उम्मीद मत लगाना। वैसे इसका रिमोट थोड़ा सा यूनिक है, अच्छा लगता है। साथ में डेडिकेटेड बटन्स आपको मिलते हैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो के। मीडिया का अलग से है जिसमें आप अपने फोल्डर में से जो भी वीडियोस वगैरह चाहो देख सकते हो। इसके अलावा TCL का भी चैनल है, जो कि भले ही आपको देखना पसंद ना हो पर इन्होंने तो बटन दे दिया। सो ओवरऑल ये भी एक अच्छा टीवी है, अगर कंसिडर करोगे तो पछताना तो नहीं पड़ेगा। अपने अपने कुछ प्रोज हैं, कुछ कौन से वो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब नेक्स्ट टीवी है फॉल्कन। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, बाय द वे ये TCL की तरफ से ही आता है, इसलिए ना हमने जो अभी लास्ट टीवी देखा है उससे ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहेगा। अब देखो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर भी लगभग सेम है हमारे पिछले वाले टीवी से, बट बेजल्स ना यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। मुझे TCL की बेजल्स ही थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, बट यहाँ उससे भी ज़्यादा है, और ये डिज़ाइन की ऐसी तैसी कर देगी। बट अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो ठीक है। यहाँ पर भी फुल HD रिजोल्यूशन है, डिस्प्ले क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, VA पैनल है, माइक्रो डिमिंग का सपोर्ट है, माइक्रो डिमिंग होने से भी डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है, ऐसा कंपनी कहती है। लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्राइटनेस लेवल मुझे इस टीवी का ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा 20 वाट के स्पीकर्स हैं, 10 वाट के दो स्पीकर्स हैं, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पर भी दिया गया है, 1 GB रैम, 8 GB स्टोरेज, और काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे पिछले TCL के टीवी से। बट एक चीज़ सिमिलर नहीं है, यहाँ पर आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसे लिस्ट किया है। अराउंड 15,000 में ये अवेलेबल है, जबकि TCL की प्राइस अराउंड 19,000 है। अब क्योंकि ये अभी नई कंपनी है मार्केट में, इस वजह से इन्हें कम प्राइस में अच्छे फीचर्स देने पड़ेंगे। अभी आपके ऊपर है कि आपको किसके साथ जाना है, TCL ही कंसिडर करना है या फॉल्कन भी कर सकते हो। इनके रिमोट भी देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है, डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, साउंड में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर एक सवाल यहाँ उठता है आफ्टर सेल सर्विस का, तो भाई ये देखो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है, पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो फॉल्कन भी अच्छी सर्विस दे रहा है, और बाकी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हो। सो ओवरऑल ये थी आज की वीडियो, चारों ही टीवीज मैंने आपको बता दिए। अब आपको कौन सा टीवी ज़्यादा बेटर लगा ये मुझे कमेंट में बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इन सभी टीवीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हो।